तो देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल एक नारा दिया था कि पढ़ेंगे खेलेंगे आसमान को छुएंगे, ऐसे में खेलो इंडिया गेम्स जिस तरह से आयोजित होगा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए 177 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है। वहीं इसके अलावा आज की इस कैबिनेट में विदेश में जाकर पढ़ाई करने के लिए भी प्रस्ताव पर मुहर लगी है। प्रदेश के 8 अलग अलग जिलों में जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा और इसमें पिछड़े वर्ग के बच्चों को मौका दिया जाएगा, विदेश भेजने की कार्य योजना को आज की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो बता दें कि आज कैबिनेट की बैठक हुई, अहम निर्णयों की जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दे रहे थे, जिसमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए 177 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई, जिसके चलते अब मध्य प्रदेश में जनवरी में 8 अलग अलग जिलों में इन गेम्स को आयोजित किया जाएगा। चलिए, संवाददाता सूरज का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, कैबिनेट की बैठक खत्म हुई, गृहमंत्री ने जानकारी दी, किस तरह से आज की इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिए गए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो एक महत्वपूर्ण फैसला हुआ है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी इस बार मध्य प्रदेश कर रहा है। मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। शायद यही वजह है कि खर्चों को लेकर खासतौर से 177 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है मध्य प्रदेश की कैबिनेट में, क्योंकि मध्य प्रदेश में जनवरी में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की खासतौर से बात करें, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी जैसे 8 जो जिले हैं वहां पर अलग अलग गेम्स की प्रतिस्पर्धा की जाएगी, उसको लेकर तैयारियों को लेकर 170.50 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही जो पिछड़ा वर्ग के बच्चे हैं उनकी विदेश में यदि कोई शिक्षा के लिए वो जाते हैं तो उसको लेकर अनुदान राशि दी गई है। साथ ही 227 जो अस्पताल हैं उनके उन्नयन की बात कही गई है, उनके उन्नयन को लेकर राशि स्वीकृत की गई है। इसके अलावा खासतौर से सामाजिक कल्याण विभाग का नाम बदला गया है, अब सामाजिक कल्याण दिव्यांग जन कल्याण विभाग ये होगा। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण फैसले हैं, खासतौर से कान नदी की बात करें तो कान नदी जो उज्जैन से छिपरा नदी में उसका पानी मिलता है, उस परियोजना को लेकर 550 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजना को स्वीकृति मिली है, जिसके तहत जो कान नदी का पानी है वो अब छिपरा में नहीं मिलेगा। तो तमाम ऐसी परियोजनाएं जो सरकार लगातार काम कर रही थी उसको लेकर चर्चा हुई है, और कई ऐसे और प्रस्ताव हैं जिन पर चर्चा होना बाकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात करें कि देश में मध्य प्रदेश को खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी का मौका मिला है, तो अनौपचारिक चर्चा के साथ साथ औपचारिक चर्चा में भी इसको लेकर आए हैं और 170 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही खासतौर से जीआईएस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात हो या खजुराहो में होने वाला G20 संस्कृति प्रकोष्ठ का सम्मेलन, उसको लेकर भी चर्चा की गई है, उसकी तैयारियों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सब तमाम मंत्रियों को निर्देश भी दिए हैं, तैयारियों को लेकर एक समीक्षा भी की गई है। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा सूरज आपने, जिस तरह से समीक्षा की गई थी अलग अलग विभागों की और परियोजनाओं का आपने जिक्र किया, कई तरह की परियोजनाओं पर आज इस कैबिनेट में चर्चा भी हुई है, कई अहम फैसले भी लिए गए। फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए। तो बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश में जनवरी में होगा, जिससे जुड़ी तमाम विषयों पर आज इस बैठक में चर्चा हुई है और राशि भी स्वीकृत हो चुकी है।